तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। फ्रेड आर डेविड के अनुसार स्ट्रेटेजिक मॉडल जो होता है वो तीन फेजेस का होता है। पहले का नाम होता है फॉर्मुलेशन, बनावट, दूसरा है इंप्लीमेंटेशन, लागू करना, और तीसरा होता है इवेल्युएशन, मतलब चेक करना कि हम एज पर द प्लान प्रोसीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेड आर डेविड के तीन फेजेस में से दो फेजेस डिस्कस होंगे इस चैप्टर में, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन नाम है इसका, और उसके तहत 6 टॉपिक डिस्कस होने, जैसा कि आप चैप्टर के ओवरव्यू में देख रहे हो। पहले टॉपिक का नाम है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, बनावट कैसी और लागू करने का तरीका कैसा, इफेक्टिव और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी के बीच का अंतर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक चेंज, बदलाव और उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का योगदान। फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, 8 प्रकार के स्ट्रक्चर देखे अपन ने, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, SBU, मैट्रिक्स, नेटवर्क, आवरग्लास। क्या बात है सर, मजा आ गया। और उसके अंदर हमने पढ़े थे मैकेंजी के 7S मॉडल को, ठीक है, जो हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट में बटे हुए थे। हार्ड एलिमेंट थे स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, सॉफ्ट एलिमेंट थे शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ, स्किल एंड स्टाइल। फिर स्ट्रेट में कल्चर की बात की थी अपन ने, उसके बाद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ये हमने कल 3 टॉपिक डिस्कस किए थे, आज क्विकली मैंने रिवाइज करूंगा। और फिर आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, और उसके साथ साथ हम करेंगे MCQ पार्ट को, हम करेंगे समरी चार्ट को, हम करेंगे केस सिनेरियो डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद एंड करेंगे आज के इस सेशन को। तो मैं होप करता हूं आज का ये सेशन आपका जबरदस्त रहने वाला है। तो मेहरप्रीत जरा मुझे बताएं आपको पढ़कर कैसा लगा बत्रा सर से, क्योंकि बेटा हम कहते हैं बत्रा सर हैं तो मुमकिन है, और ये बत्रा सर की गारंटी कि आप हमसे पढ़ेंगे तो बेटा लाएंगे 40+, क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट को बना दिया आपका BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और आप बन चुके हैं SM पॉजिटिव। अब आपका ब्लड ग्रुप अगर चेक किया जाए तो वो A नहीं होगा, B नहीं होगा, AB नहीं होगा, O नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब आपका नया ब्लड ग्रुप है SM पॉजिटिव, क्योंकि आप हैं बत्रा सर के स्टूडेंट। मेहरप्रीत कह रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं सभी बच्चों को कहूंगा अगर आप सब बच्चों को भी अच्छा लगा है तो बेटा आप जरूर आगे रेकमेंड करें अपने फेलो जूनियर्स को, अपने पीयर, अपने साथ के लोगों को। उन्होंने कहीं और से भी अगर ये कोर्स लिया और दिक्कत पा रहे हैं तो उन्हें आप रेफर कर सकते हैं बत्रा सर की इन क्लासेस के बारे में, जो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.batrasar.com पे। और जैसा मैंने कहा, अगर वो आपके रेफरेंस से आएंगे तो आज भी हम उन्हें ये कोर्स आपकी ही प्राइस पे 2500 रुपए में उपलब्ध करा देंगे विद प्रिंटेड नोट्स एट योर डोर स्टेप। तो चलते हैं आज के सेशन पर, आइए गांधारी टाइम आज लास्ट तारीख में, लास्ट दिन में, लास्ट क्लास में फिर से कर दिया जाए। चलिए महाभारत काल में लिए चलता हूं, मैं समय हूं और आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, 0 सभी लोग आंखें बंद कर लें, थोड़े थोड़े भी खोल कर ना देखें, आज चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। बत्रा सर की मिश्री जैसी आवाज को कानों में घुलने दें। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अपने SM कोर्स का, लास्ट चैप्टर हमने शुरुआत किया था तब, हमने 5 चैप्टर में पहले चैप्टर को पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके बाद चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंतिम बार स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। वन मोर टाइम, 5 चैप्टर हमारे कोर्स में, इक्वल वेटेज के 50 नंबर का पेपर हमारा, और बत्रा सर से पढ़ के आप ला रहे हैं 40+। चैप्टर नंबर 1 नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, फिर चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को यहां पे आपके लिए, और देखें चैप्टर के ओवरव्यू में क्या क्या है। पहला टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, दूसरा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर यूजिंग द मैकेंजी मॉडल 7S वाला, उसके बाद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। वन मोर टाइम, चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, चैप्टर के ओवरव्यू में हमारे पास 6 टॉपिक है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर, उसके बाद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और उसके बाद स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। इस तरीके से ये 6 टॉपिक डिस्कस होने हैं, आज हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। बताओड़े याद हुआ? अरे हाँ जी हुआ,
अरे कब हुआ, अजी कैसे हुआ, बताओड़े। तो बच्चा बच्चा कह रहा है उन्हें याद हुआ, बहुत अच्छी बात। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपको इंटर रिलेशनशिप में सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल बताया था फ्रेड आर डेविड का, ठीक है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और साथ साथ में 5 स्टेजेस थी। मेहरप्रीत कह रहा है याद तो पहले ही था, अब दिल और दिमाग में भी बैठ गया, दिल और दिमाग में बैठ गया, क्या बात है। उसके बाद फ्रेड आर डेविड के बाद हम आए थे सेकंड चीज पर, जिसमें हमने कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी को 2 भागों में डिवाइड किया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, और बीच का डिफरेंस। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी और कैसे डील करते हैं वो तरीका हमने बताया था, 5 क्लस्टर में डिवाइड करके, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग और सिनारियो एनालिसिस, बिल्डिंग रिजिलियंस और कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में बताया था कि एक मैनेजरियल एक्सरसाइज है, जिसमें हम फ्रेशली चूजन स्ट्रेटेजी को एक्शन मोड में रखा करते हैं, और इसके लिए हमने फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच 2 डायमेंशन में ग्राफ खींचा था और बताया था अगर फॉर्मुलेशन साउंड हो और इंप्लीमेंटेशन एक्सीलेंट हो तो सक्सेस मिलती है पोजिशन बी पर। अगर इसी को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अनुसार देखा जाए तो हम पाते हैं अगर हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हो इफेक्टिव और हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो एफिशिएंट, तो हम थ्राइव या सक्सेस करते हैं पहली पोजीशन पे। उसके बाद हमने दोनों के बीच का डिफरेंस देखा था, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच का डिफरेंस एक टेबल के माध्यम से। फॉर्मुलेशन में प्लानिंग होती है, उसमें एग्जीक्यूशन होता है, इसमें बिफोर एक्शन है, उसमें ड्यूरिंग एक्शन है, इसमें एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इसमें इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, इंटेलेक्चुअल है, ऑपरेशनल प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन है और कोऑर्डिनेशन अमंग मैनी है। मेयर प्रीत कह रहा है वीवीआईपी लिस्ट कब दोगे? बेटा बहुत जल्दी दे देंगे, लेकिन फरवरी में नहीं देंगे आपको, ये दे देंगे बहुत जल्दी, ठीक है, तो जल्दी दे देंगे, चिंता मत करें आप। चलिए चलिए चलिए, वैसे तो हमने करते करते काफी चीजें बताई दी है, पर ऑफिशियल वीवीआईपी लिस्ट के लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी हिंट नहीं आया है अभी, तो उनकी तरफ से हिंट आ जाए, उनकी तरफ से कोई सजेस्टेड आ जाए क्वेश्चंस, उनकी तरफ से कोई मॉडल टेस्ट पेपर आ जाए, है ना, तो फिर हमें कुछ पता चलेगा, फिर हम जारी कर देंगे। उसके बाद हमने लिंकेजेस बताए थे 2, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करना, इश्यूज हमने बताए थे, प्रोजेक्ट बन सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, फिर प्रोग्राम बनता है, फिर प्रोजेक्ट और फिर रिसोर्सेज, सीक्वेंशियल मैनर में इश्यूज क्या थे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन, फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन और बाद में है बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद स्ट्रेटेजिक चेंज में हमने कहा था 3 स्टेप होते हैं, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट ए शेयर्ड विजन, 2 मैनेज द चेंज, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, ठीक है, नितिन गडकरी जी का एग्जाम्पल। फिर कुर्ट लेविन का लॉन्ग लास्टिंग सिद्धांत बताया था हमने, वनीला आइसक्रीम के से 3 फेजेज होते हैं, अनफ्रीज, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन और रीफ्रीज। जब हम चेंज टू न्यू सिचुएशन करते हैं, एच सी कैलमैन के 3 मैथड आ जाते हैं, वो 3 मैथड है, कंप्लाइंसेस, नए कंप्लाइंस मतलब नियमों में ढालना, आइडेंटिफिकेशन, रोल मॉडल में बंधना, और इंटरनलाइजेशन, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है, बत्रा सर ने कई एग्जाम्पल द्वारा समझाया था कि कैसे उसे किया जाता है। सबसे पहले तो बत्रा सर ने खुद का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे स्वाइन फ्लू की पोजीशन को देखते हुए बत्रा सर ने अपनी क्लासेस को बैकअप देने के लिए सबसे पहले डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया, और यहीं से शुरू होती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बत्रा सर की जिंदगी में भी, पर्सनल लेवल पर, वैसे तो क्लाइंटों के लिए कई तौर पर हमने किया था। ये क्लास से पहले हम क्या करते थे, केवल पढ़ा दिया करते थे, रिकॉर्ड नहीं करते थे, है ना, GDPD पे भी नहीं थे हम। तो 2015 में स्वाइन फ्लू आने के बाद में ये सब स्थितियां शुरू हुई। अब इस दौरान आपको प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, चेंज पे ध्यान देना पड़ता है, और क्या गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसके लिए, आप बिगिन करें टॉप से। नेसेसरी और डिजायर्ड क्या है चेंज, वो परिवर्तन लाएं, डिसरप्शन कम से कम करें, और इसके साथ साथ एनकरेज करें कम्युनिकेशन को, और चेंज को एक नया नॉर्म बनाएं, एक्सेप्शन नहीं बनाएं, ठीक है। उसके बाद में
ऑब्जेक्टिव, रेडी फॉर रेजिस्टेंस, इंप्लीमेंटेशन, ग्रेजुअली ऐसी बहुत सारी चीज़ों से निकल के इंप्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क आया था जिसमें मैकेंजी का 7S मॉडल था, जिसमें 3 एलिमेंट हार्ड हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और 4 एलिमेंट सॉफ्ट हैं, शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ, स्किल एंड स्टाइल, जिसके माध्यम से हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझा। उसके बाद आते हैं कोर वैल्यूज हमारी क्या हैं, ठीक है, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ, स्किल के साथ। लिमिटेशन क्या है, इग्नोर करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उसकी इंपॉर्टेंस को, क्लियरली डिफाइंड नहीं है हमारा के ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगर तो काम करना मुश्किल होगा, ज़्यादा स्टैटिक है, कम फ्लेक्सिबल है ये, और जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है, रियल गैप्स उसमें फुलफिल नहीं होते। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आइडियल वो होता है जहाँ आइडिया जो होते हैं वो नीचे से ऊपर तक फ्री फ्लो करते हैं, ना कि कौन दे रहा आइडिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एडसन स्पेंसर ने कहा था। अब यहाँ पे चैंडलर का एक सिद्धांत आता है जो कहता है जब भी आप स्ट्रेटजी में परिवर्तन करोगे वैसे ही आपको अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, उससे आपकी परफॉर्मेंस में कमी आती है, फिर आप नया स्ट्रक्चर अपनाते हो और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने जोधपुर के नेशनल हैंडलूम के एग्जाम्पल से आपको समझाया था। उसके बाद हमने 8 प्रकार के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है और ऑपोजिट भी संभव है। कुल मिला के 8 प्रकार के स्ट्रक्चर है जिसको मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करके बताया था। कितने स्ट्रक्चर हैं हमारे, 8 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। कौन से 8 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, आइए फिर से एक बार बता देता हूं। तो ये रहे 8 प्रकार के स्ट्रक्चर, देखें जरा ध्यान से। सबसे पहला था सिंपल स्ट्रक्चर, 1 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर मैनेजमेंट, नीचे वर्कर। सेकंड फंक्शनल, 2 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर हमारा मैनेजर, उसके नीचे फंक्शनल मैनेजर, उसके नीचे हमारा वर्कर। उसके बाद डिवीजनल, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर हमारा प्रेसिडेंट और सीईओ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फिर डिवीजनल स्टाफ, और उसके बाद फंक्शनल हेड, और उसके बाद में वर्कर। मल्टी डिवीजनल में भी 3 लेवल मैनेजमेंट, सेम डायग्राम। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में 4 लेवल, ऊपर प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट स्टाफ, उसके बाद हमारे पास में डिवीजनल जनरल मैनेजर्स, उसके बाद हमारा SBU हेड, उसके नीचे फंक्शनल हेड, उसके नीचे वर्कर। ये पांच जो हैं ये टॉप से बॉटम हायरार्की में चलते हैं और इनमें कम्युनिकेशन भी टॉप से बॉटम में होता है, ये ओल्ड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। उसके बाद न्यू स्ट्रक्चर में पढ़े थे हमने मैट्रिक्स, नेटवर्क और आवरग्लास। मैट्रिक्स में क्रिस क्रॉस कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल। एग्जांपल टाटा नैनो को याद रखें, सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनता है, उसके बाद में हम उसको प्रोटोटाइप पे ले जाते हैं और उसके बाद में मैच्योर मैट्रिक्स हो जाती है। और नेटवर्क जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये वर्चुअल स्ट्रक्चर है, जरूरत पड़ने पर हम आपस में जुड़ जाते हैं, काम करते हैं और फिर से अलग अलग होके काम को किया करते हैं। नाइक, रिबॉक और एयरटेल इसी तरीके से काम करते हैं। आवर ग्लास स्ट्रक्चर, आजकल टेक्नोलॉजी के कारण मिड लेवल मैनेजमेंट की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए टॉप लेवल और बॉटम लेवल में तो फिर आपको खूब सारे लोग काम करते मिल जाएंगे, पर मिड लेवल हमारा डिमिनिश हो गया है और इसी कारण से इस आवर ग्लास स्ट्रक्चर में हमें बीच में संकड़ा मिलता है, ये श्रंकन होता है, ठीक है। ये जो होता है वाइड होता है ऊपर वाला बीच के मुकाबले, और नीचे वाला वाइडेस्ट होता है, लेकिन बीच वाला श्रंकन होता है। तो ऐसे 8 स्ट्रक्चर्स को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बाद में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। तो ये हमारे लास्ट टर्न के टॉपिक थे, मैं एक बार फिर से क्विकली इसको रिवाइज कर लेता हूँ, फिर चलते हैं हम आगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो दुनिया की छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, उसका एक यूनिक कल्चर होता है। ये कल्चर आता कहाँ से है? कल्चर आया करता है कंपनी के को फाउंडर से, फाउंडर से, कंपनी के CEO से, कंपनी में काम करने वाले लोगों से, उनकी वर्किंग स्टाइल से, उनकी हैबिट से, उनके बिलीफ सिस्टम से, उनकी वैल्यू सिस्टम से, उनकी वर्किंग स्टाइल से, उनके बिहेवियरल पैटर्न से, इन सब से मिलके बनता है। और ये एक आसान चीज़ नहीं है जो एक दिन में बन जाए, इट इज़ ए डीप रूटेड थिंग जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे विकसित होती है और आपके नसों में, आपके रग रग में समा जाया करती है।
तो ये कई लोगों के सामने भी है, कई लोगों के लिए छुपा हुआ भी हुआ करता है। तो ये डीप रूटेड बिलीव्स हैं, फिलॉसफी है, प्रिंसिपल है, ओन हिस्ट्री है, वैल्यू है, रिचुअल्स है, वर्किंग का तरीका है। तो कंपनी का कल्चर किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? कंपनी का कल्चर कंपनी की वैल्यू, कंपनी की बिलीफ, कंपनी के बिजनेस प्रिंसिपल, कंपनी के ट्रेडिशन और वे ऑफ ऑपरेटिंग से डिसाइड किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें, फिर से देखो, कंपनी की वैल्यू, कंपनी का बिलीफ सिस्टम, कंपनी के बिजनेस प्रिंसिपल, कंपनी के ट्रेडिशन और कंपनी के वे ऑफ ऑपरेटिंग से डिसाइड होता है। कल्चर आता कहाँ से है? ये कल्चर सिखाया जाता है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट द्वारा। ये टॉप मैनेजमेंट कौन है? कंपनी के फाउंडर, कंपनी के को फाउंडर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, है ना, पुराने लोग जो कंपनी बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो आपको रोज की प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये आपको बताया जाता है क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, और फिर एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड और बिहेवियर में से रोजमर्रा की ज़िंदगी में इंस्टीट्यूशलाइज कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। कंपनी का कल्चर और उनकी स्टोरी बार बार आपको बता के आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ब्लड में डाल दी जाती है। कल्चर सहायक या बाधा हो एग्जीक्यूशन में। अगर कल्चर स्ट्रैटेजी के सहायक होगा तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। अगर कल्चर और स्ट्रैटेजी में स्ट्रांग फिट नहीं बनता, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। तो रोल ऑफ कल्चर क्या है एग्जीक्यूशन में? अगर कल्चर और स्ट्रैटेजी स्ट्रांग फिट है तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा। अगर कल्चर और स्ट्रैटेजी में नेग्लिजिबल फिट है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कल्चर अच्छा ग्राउंडेड होना चाहिए। कल्चर में क्रिएटिविटी, नए चेंज को एक्सेप्ट करना, चैलेंजिंग और इस तरीके की चीज़ें हैं तो आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन बड़ा सूट करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी कल्चर से मीच में मीट मीट आउट नहीं होती, स्ट्रांग फिट नहीं बनता, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको अगर रोज रोज कल्चर और स्ट्रेटेजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो पैरल्स नतीजे क्या निकलेंगे? आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, है ना, रोज रोज लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट होते रहे तो। तो आपको एक स्ट्रांग फिट बनाना पड़ेगा, और स्ट्रांग फिट बनाने के लिए या तो कल्चर में बदलाव करना पड़ेगा या स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी में बदलाव आसान है, कल्चर में बदलाव मुश्किल है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ठीक है और कल्चर ही आपका प्रॉब्लमेटिक है तो फिर आपको कल्चर बदलना पड़ेगा, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। और मुश्किल हालातों की शुरुआत हम टॉप से बॉटम करेंगे। सबसे पहले हम टॉप मैनेजमेंट के काम करने के तरीके को बदलेंगे, उसके कल्चर को बदलेंगे, तब जाके नीचे वो बदलाव आएगा। मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट सुन लेना। 2014 से पहले भारत के जितने भी आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे पुरानी गवर्नमेंट के टाइम में, मैक्सिमम ऑफिस के टाइम में गोल्फ कोर्स में, इधर उधर क्लबों में गप्पे ठोकते नजर आ जाया करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद भी काम करने वाले लोग हैं और काम करवाने की क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि वो कई साल तक तो मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात के, तुमको मालूम है इस ऑफिसर लॉबी से कैसे डील करना है। तो उन्होंने आते ही मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया। वो क्या करते थे? आते ही सबसे पहले बताते पूछते थे आपका डिपार्टमेंट काम क्या करता है, आपके एक साल के प्रोजेक्शन क्या है, क्या क्या करोगे, और फिर हफ्ते भर बाद उनसे वापस से प्रोग्रेस पूछा करते थे। तो जो लोग गोल्फ कोर्स में मिला करते थे, क्लबों में मिलाते थे, वो बातें हवा हो गई। अब टेबल में बैठ के काम करना पड़ता था, और ऐसी हालत हो गई कि कई लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया, जिनसे काम नहीं होता था वो दुनिया से अलविदा कह गए, प्यारे हो गए, क्योंकि आदमी खुद काम करता है और दूसरों से करवाता है। तो उसने एक स्ट्रांग फिट डेवलप कर दिया। तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पे ऑफिसर लॉबी के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि मैं जब काम करता हूँ 20-20 घंटे, तो तुम तो तनख्वाह लेते हो भाई, मुझे तो तनख्वाह भी नहीं मिलती तुम्हारे जैसी, तो तुम्हें भी काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। और इसकी कल्चरल शुरुआत उन्होंने खुद कर दी। सुबह सुबह 8 बजे मीटिंग, रात के 10 बजे मीटिंग। अब सोचो आप आदमी घर कब जावे, सुबह सुबह 8 बजे मीटिंग में आने के लिए सुबह 6 बजे तो उठना पड़ेगा, और रात को 10 बजे तक काम मीटिंग करने के लिए आपको पूरे दिन काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लगातार दिन रात काम करने की आदत इस आदमी ने देश को डाल दी, ऑफिसर लॉबी को डाल दी और सभी को डाल दी। तो कल्चर खराब था भारत का, भारतीय ऑफिसर्स का, जो देश चलाते थे आईएएस आरएएस लॉबी वाले, वो सबका कल्चर बदल दिया एक सिंगल पर्सन ने, और ये शुरुआत उन्होंने खुद की फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपको लगता है कि आपका कल्चर खराब है तो कल्चर बदलने की शुरुआत भी आप ही करेंगे, टॉप से बॉटम करेंगे, वो नीचे आते आते अपने आप बदल जाएगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बदलाव की कोशिश करेंगे नहीं होगा, पहले ऊपर से नीचे की तरफ करो आप। और ये चीज़ें कॉस्मेटिक नहीं होनी चाहिए, केवल बदलाव बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए, विजिबल दिखना चाहिए। तो डिफिकल्ट जरूर होता है लेकिन बदलाव किया जा सकता है, और हमने इस देश में होते हुए देखा है। चलिए नेक्स्ट, हमने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात की थी। लीडर जो होता है ना,
वहां रहता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। जैसे पुराने जमाने में सेनापति सेना के साथ युद्ध के मैदान में रहा करता था, ऐसा नहीं है सेनापति तो महल में ऐश कर रहा है और सेना यहाँ युद्ध लड़ रही है, तुम देख लेना मैं बाद में आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो लीडर अपनी लीडरशिप स्किल दिखाना चाहता है तो उसको वहीं रहना चाहिए जहां प्रॉब्लम एरिया है, क्योंकि ये फर्म की डायरेक्शन सेट किया करता है, मैनेज करता है चीज़ों को, और उसको लोगों के साथ मिलकर जोश दिला के मोटिवेशन से काम करवाना होता है। ये एक चेंज एजेंट का काम भी करता है। 5 लीडरशिप रोल इसे प्ले करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, जहां कुछ हो रहा है वहां खड़ा रह के काम करवावे। दूसरा, प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ यूनियन एंड स्ट्रेंथ, मतलब एक ऐसा कल्चर प्रमोट करें जहां स्ट्रेंथ हमारी सबसे बड़ी ताकत निकल के आए। तीसरा, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिंग टू चेंजिंग कंडीशन, चेंजिंग कंडीशन के अनुसार अपने आप को बदले। और चौथा, एक्सरसाइजिंग द एथिकल लीडरशिप, सही ढंग का काम ही करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। और पांचवा, पुटिंग द करेक्टिव एक्शन, तुरंत पुश करें करेक्टिव एक्शन को और चीज़ें ठीक करें। तो ये 5 लीडरशिप रोल निभाने पड़ते हैं हमें। एग्जाम्पल हमने 2 दिए थे, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जिन्होंने स्ट्रांग वैल्यू इन्फोसिस में डाली और एक ऐसे लीडरशिप की लेगेसी छोड़ दी कि आज वो इन्फोसिस को डायरेक्टली संभाल नहीं रहे तो भी इन्फोसिस तरक्की कर रहा है नंदन नीलकणी के इस समय गाइडेंस में। तो नंदन नीलकणी और भी जितने उनके साथ हैं को फाउंडर्स, उन सब के बाद एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। ऐसी लीडरशिप क्वालिटी हमें धीरूभाई अंबानी में देखने को मिलती थी, जो अपने इंटरपर्सनल स्किल के साथ लोगों के साथ रिलेशनशिप बना लिया करते थे। लीडरशिप का रोल क्या इंप्लीमेंटेशन में, अगर हमारा लीडर एंटिसिपेट कर ले, विजनरी हो, फ्लैक्सिबल हो, तो वो क्या कर सकता है, चीज़ों को समझ के अच्छे से चीज़ों को लागू कर सकता है। और उसमें कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप को समझने की क्षमता होनी चाहिए और अपनी कोवर्कर्स की फीलिंग की भी वो समझ रखता हो तो अच्छे ढंग से चीज़ों को लागू कर पाएगा। देखो 2 फोटो आपके सामने, नारायण मूर्ति जी और धीरूभाई अंबानी। अच्छा, कैसे होता है, मैंने पीएम मोदी का एग्जाम्पल दिया था। इफेक्टिव लीडरशिप जो है प्रधानमंत्री मोदी में, उनकी मंशा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसके लिए उन्होंने मिशन रख रखा है 2047 तक विकसित भारत, मतलब नंबर 1 इकोनॉमी दुनिया में। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। तो डाइवर्सिफाई किया उन्होंने, आप देख रहे हो मोबाइल फोन में हम इस समय भाई बहुत सारे ब्रांड बना रहे हैं और भारत में 2-3 नंबर के मोबाइल निर्माता है, पूरी दुनिया भर में इतने हैंडसेट बनाते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम कई क्षेत्रों में नंबर 1 है, सोलर टेक्नोलॉजी में 1-3 में आते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में 1-3 में आते हैं, स्टार्टअप्स की दुनिया में हम लोग नंबर 4 पे आते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मोदी जी ने की है जिसकी वजह से आज हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए अबव एवरेज रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी GDP बढ़ती चली जा रही है। अब हम 4th नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, बहुत जल्दी 3रा बनेंगे और फिर 1 और 2 की तरफ भी चलेंगे। तो ये है इफेक्टिव लीडरशिप का कमाल। तो अगर आपको आज के कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में ध्यान देना हो तो लीडर के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं और तब उसको अपनी अजम्पशन और धारणाओं को बड़े केयरफुली चूज करना पड़ता है, तभी जाके वो रिजल्ट दे पाएगा। तो एक स्ट्रेटेजिक लीडर में कई सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, इस पर भी एग्जाम में सवाल आता है कि वो इट शुड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके, पॉलिसीज और एक्शन प्लान बना सके, इफेक्टिव कम्युनिकेट करे, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के लिए आपको मोटिवेट करे और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर डिजाइन करे और साथ में हाई परफॉर्मेंस लगातार साल दर साल हर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट देता चला जाए। उसके बाद लीडरशिप स्किल में आ गया था हमारा कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कितना इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं, ये हमारी लीडरशिप स्किल से पता चलता है। और डे टू डे एक्टिविटीज हों चाहे लॉन्ग टर्म हो, सभी में काम करने के लिए 2 स्टाइल हैं, एक को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, एक को कहते हैं ट्रांजेक्शनल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल होती है इसमें हम कैरिज्मा और एंथुजियाज्म नाम के 2 शब्दों को बहुत उपयोग में लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं या इंस्पायर करते हैं ताकि वो कंपनी के हित में काम कर सकें। जनरली अगर आपका इन्वायरमेंट बड़ा टर्बुलेंट है, बदल रहा है, और आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की या तो इनिशियल स्टेज है एट वेरी स्टार्ट या एंड स्टेज है जब वो डिक्लाइन पे चल रहा है, पुअरली परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशनल तरीका बड़ा काम आता है, क्योंकि तब हम एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन से लोगों से काम करवा लिया करते हैं, मोटिवेशन से काम करा लेते हैं और लोग अपनी एबिलिटी से स्ट्रेच करके काम करते हैं। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप जो दूसरा तरीका है, ये जनरली रिवार्ड और पनिशमेंट वाले सिस्टम पे फोकस करता है। यहाँ सिस्टम को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि एक अथॉरिटी के माध्यम से हम लोगों से काम करवाते हैं, अच्छा काम करोगे पे पैकेट इंसेंटिव देंगे, नहीं काम करोगे नौकरी से निकाल देंगे। तो ये एक ज्यादा फॉर्मलाइज अप्रोच है। उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात की थी। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी मैनेजमेंट का, ये कोर प्रोसेस है किसी मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को प्लांड एक्टिविटी के तौर पे बढ़ाने में मदद करता है। इसका मुख्य मकसद रेगुलेट और चेक करना है लोगों के इवेंट, लोगों के बिहेवियर और होने वाले इवेंट सभी को ये नियंत्रित करता है और कोई भी अनवांटेड टेंडेंसीज उनको रिस्ट्रेन या कर्व करता है और आपको नॉर्म्स पर रखता है ताकि आप वही काम करें जिसके लिए आपको कहा जाए। यहाँ पे हम हर
उसी चीज को प्लांड करते हैं जिसका हम रिजल्ट चाहते हैं, और अनप्लांड मैनर की चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस ऑफ कंट्रोल में चार एलिमेंट होते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम आपको पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग बनाओ, कंपेयर करो अपने रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ में, और इस नई लर्निंग को अपने जो है वो आगे वाले कामों में डालो, फीडबैक और करेक्टिव एक्शन का मेथड बनाओ। यहाँ तीन प्रकार के कंट्रोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में तीन प्रकार के कंट्रोल होते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल डे टू डे एक्टिविटीज इंडिविजुअल के लिए, एग्रीगेटिव कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल पूरे डिवीजन फंक्शन के लिए, और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स्ट्रेटेजी के लागू होने पर। तो हम देख रहे हैं तीन प्रकार के कंट्रोल को। पहला कंट्रोल है ऑपरेशनल कंट्रोल, इसका मुख्य जोर इंडिविजुअल टास्क या ट्रांजेक्शन पे होता है, जबकि पूरा एग्रीगेशन या पूरे डिपार्टमेंट और फंक्शन के ऊपर लगने वाले को मैनेजमेंट कंट्रोल कहा करते हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल में आता है जैसे स्टॉक कंट्रोल, मतलब स्टॉक विद इन सेट पैरामीटर या लिमिट्स होना चाहिए, प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब कितना मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट की क्वालिटी किसके बीच में रहनी चाहिए लिमिट्स में, कॉस्ट कंट्रोल हमारी कॉस्ट एज पर द स्टैंडर्ड कितनी होनी चाहिए, बजटरी कंट्रोल कि हम बजट्स को एक्सीड ना करें, मैनेजमेंट कंट्रोल उसके मुकाबले जो होता है वो एग्रीगेटिव होता है, ये मोर इंक्लूसिव होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरे डिवीजन या पूरे डिपार्टमेंट पे लगा करता है और उसकी सब यूनिट्स पे भी लगता है। यहाँ बेसिक पर्पस जो होता है वो है कि चीज़ों को एग्रीगेशन में पूरे कंट्रोल के तौर पर पूरे यूनिट के तौर पर देखा जाए। तीसरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, शेंडल और हॉफर के शब्दों में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का पर्पस ड्यूल चीज़ों को सेटिस्फाइड करना है, दो चीज़ों को, पहला क्या स्ट्रेटजी जैसी लागू की गई है वैसी प्लान की गई थी जरा चेक करें, और नंबर टू क्या रिजल्ट जो हमें स्ट्रेटजी को लागू करने से मिले उससे हम सेटिस्फाइड हैं, इंटेंडेड है। जनरली ये देखा गया फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच में टाइम गैप होता है, इसलिए इन्वायरमेंट बदल जाता है जब तक हम कंडीशन लागू करते हैं, तो हमें स्ट्रेटजी कंट्रोल से ये देखने में मदद मिलती है कि क्या जैसा हमने प्लान किया था वैसी स्ट्रेटजी लागू हो गई, टाइम गैप का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या टाइम गैप आया था स्थितियां बदली लेकिन स्ट्रेटजी कंट्रोल लागू था इसलिए समय के अनुसार उसने अपने आप को परिवर्तित किया और नई स्ट्रेटजियों को लागू करने के तरीकों को अडॉप्ट करते हुए स्ट्रेटजी में परिवर्तन किया। ये चीजें हम स्ट्रेटजी कंट्रोल में चेक करते हैं। स्ट्रेटजी कंट्रोल चार प्रकार के होते हैं, प्रमाइसेस कंट्रोल मतलब आपकी बेसिक अजम्पशन या धारणाएं क्या हैं, अगर वो सही हैं आज की तारीख में वैलिड है तो इस पे लिया गया हर डिसीजन सही होगा। मैंने एग्जांपल दिया था, हम सबको लगता है कि बेंगलुरु चूंकि आईटी हब है इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट यही यूज होता होगा, पर गलत है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग मैं भारत में कहूं तो वो दिल्ली में होता है, क्योंकि कम्यूटिंग पॉपुलेशन बहुत है, बाहर से लोग खूब ट्रैवल करके दिल्ली आते हैं, चाहे कहीं से आए, जयपुर से आए, हैदराबाद से आए, मुंबई से आए, कहीं से आए, लखनऊ से आए। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी हमें प्रमाइसिस को चेक करने के लिए कि वो आज की तारीख में भी वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ बेसिक पर्पज हमारा दो फैक्टर्स है, पहला एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर को समझ लो, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब चीज़ें आज के अजम्पशन के अनुसार सही है या नहीं है। दूसरा इंडस्ट्री के फैक्टर, कॉम्पिटिटर, सुपीरियर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट, ये भी हमें सही ढंग से रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और हमारे अजम्पशन इनके अनुसार है या नहीं है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके प्रमाइसेज ही गलत है, अजम्पशन ही गलत है, तो फिर आपके आगे आने वाले कंट्रोल भी गलत होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, प्रमाइसेज कंट्रोल की तरह ये अनफोकस्ड होता है, ये अनफोकस्ड होता है, वो फोकस्ड होता है। इसमें हम जनरल मॉनिटरिंग करते हैं या अनकवर करते हैं अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को, इसके लिए हम क्या करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, इधर उधर लोगों की बातें सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, इससे कई सारे अनकवरिंग इन्फॉर्मेशन ट्रूथ हमें पता चलते हैं जो वैसे पता नहीं चल पाते हमें। तीसरा स्पेशल अलर्ट है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट अचानक हो जाया करते हैं, जैसे अचानक गवर्नमेंट के पॉलिसी में परिवर्तन होना, नेचुरल क्लामिटी का आना, टेररिस्ट अटैक हो जाना, या अनएक्सपेक्टेड मर्जर और एक्विजिशन का हो जाना, तो इस दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट टीम काम करती है और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करती है। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल चौथा है, इसका पर्पज होता है ये देखना कि हमारे जो मेजर प्लान थे क्या वो सही ढंग से हमें रिजल्ट दे रहे कि नहीं दे रहे, जैसा हमने इंप्लीमेंटेशन चाहा था वैसा हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि दो बेसिक पर्पज हमारे सॉल्व हो जाए इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में, पहला मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, क्या मुख्य एरिया जो इंप्लीमेंटेशन में हमें यूज करना था वो उस पॉइंट पे कर पाए या उस पर रीएडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी, और नंबर टू माइलस्टोन रिव्यू, मतलब क्या हमने छोटे छोटे जो टारगेट अचीव करने थे 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, क्या वो समय पे हो पाए। इसके लिए एक चित्र भी हमने कल आपको बताया था कि फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के चार पॉइंट हैं उसमें प्रमाइसिस कंट्रोल, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, वन एंड टीम दोनों पे लागू होता है, डायग्राम में आप देख रहे हो, और स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस भी फॉर्मुलेशन पे और इंप्लीमेंटेशन दोनों पे लागू होता है, लेकिन आपका स्पेशल अलर्ट कंट्रोल और आपका इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल केवल स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन पे लागू होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो।
तो प्रोमाइसिस कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक सर्वेलेशन, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन दोनों स्थितियों पर लागू होता है, लेकिन स्पेशल अलर्ट कंट्रोल और इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल केवल और केवल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन पर लागू होता है। इतना अपन पढ़ चुके थे लास्ट टर्न पे, और फिर हमने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में एक बेसिक सी चीज़ बताई थी आपको कि कंपनी की किसी भी परफॉर्मेंस को नापने के लिए कि स्ट्रेटेजी वहाँ सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें एक मेथड की तलाश है जिसे अपन स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स कहा करते हैं, जो कि बेसिकली की इंडिकेटर्स है, KPI है किसी भी इंडस्ट्री के या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के, जिससे पता चलता है कि अगर ये पैरामीटर मौजूद है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी ने सही रिजल्ट दिए। जैसे आपके फाइनेंशियल रेशियो आपके फेवर में, एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाइड है, कस्टमर आपको अच्छा फीडबैक देता है, तो हम ये मान सकते हैं आपका काम ठीक चल रहा है। इतना अपन ने लास्ट टर्न पर डिस्कस कर दिया था, मैंने ओवरऑल रिवाइज कर दिया है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, वरना मैं इससे आगे चल के आज इस पूरे यूनिट को इंक्लूडिंग ऑल कवर करने जा रहा हूं। सो एनी प्रॉब्लम अप टू दिस, पूरा क्विकली मैंने रिवाइज कर दिया आपके सामने। तो ये था आपके सामने ब्रेथलेस रिवीजन, बत्रा सर पढ़ाएंगे, आप सांस रोक लेंगे। तो बच्चे बच्चे ने कहा है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स को दोबारा एक बार देखते हुए MCQ, उसके बाद समरी चार्ट, फिर केस सिनारियो और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, जिसको शॉर्ट में SPM कहते हैं, एक बार फिर से देखें। कंपनीज परफॉर्मेंस डिपेंड्स हैविली ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजी। कंपनी की परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है उसके रिजल्ट पर निर्भर करती है। अगर स्ट्रेटेजी अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आएगी, आपको अबव एवरेज रिटर्न मिलेंगे। हम कहेंगे कि कंपनी ने आउट परफॉर्म कर दिया अपने कॉम्पिटिटर को, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेटेजी अच्छे से एग्जीक्यूट हुए। एग्जीक्यूटिव इन ए वेराइटी ऑफ बिजनेस शुड एक्सप्लोर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट SPM। SPM अपने आप में एक मेथड है, ये सब इसके कीवर्ड है जो मैं गोले बना रहा हूँ ना, ये सारे इसके कीवर्ड है जो आप नोट करते जाना और अपनी अपनी कॉपी में लिखते भी जाना, ताकि आपको याद रहे SPM के ऊपर लिखते वक्त ये गोले वाली चीज़ें जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं ये जरूर आपकी आंसर में आएँ, इसी के बेसिस पर आपको नंबर मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं, ICAI नंबर नहीं देती है। ICAI का नंबर देने का तरीका है कि जो उन्होंने कीवर्ड यूज़ किए हैं उनका प्रयोग आप भी करके अपने सेंटेंसेस बनाओ। तो मैं जितने गोले बता रहा हूँ आपको पूरे कोर्सेज के दौरान, आज ये हमारे कोर्स का 28वां लेक्चर है और आज हम फिनिश भी कर रहे हैं इसको, रफली करीब करीब 55-60 घंटों के बीच में हमारा ये पूरा कोर्स होने जा रहा है। मैंने कहा ही था 50-60 घंटे लगेंगे, करीब 25-30 लेक्चर लगेंगे, तो 28 लेक्चर लगे हैं हमारे को और रफली 55-60 घंटों के बीच में हम इस कोर्स को फिनिश कर रहे हैं। सब जगह मैंने डे वन से आपको कीवर्ड बताए गोले बना के, तो आप ये याद रखेंगे कीवर्ड्स को। सो SPM इज ए मेथड दैट इंक्रीजेज द लाइन एग्जीक्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑफर ए कंटिन्यूस सिस्टम फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। तो ये मेथड है जिससे पता चलता है कि जो एग्जीक्यूटिव थे हमारे, जिन्होंने स्ट्रेटेजी को लागू किया था, उनका रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारे अचीवमेंट के अनुसार है या नहीं है। SPM helps to eliminate the silos. Eliminate the silos, ये एक phrase है जिसका मतलब होता है talk about the common goal between the team. रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी टीम के साथ बैठ के क्या गोल अचीव करना चाहते हो वो रोज डिस्कस करो, ताकि सब लोग एक माइंडसेट पे आ जाएं कि हमारी पूरी टीम का एक ही गोल है, हमारा माइंडसेट एक जैसा हो जाए। बाय एस्टैब्लिशिंग ए कॉमन लैंग्वेज अमंग ऑल द एक्टिविटीज, तो हम अगर एलिमिनेट साइलोज मतलब कॉमन गोल के बारे में रोज बात करेंगे तो सबका माइंडसेट आज नहीं तो कल एक लेवल पे ले आएंगे। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, दैट यूज टू ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो इनके माध्यम से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी इफेक्टिवनेस कितनी है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में, और साथ साथ में हमारे डिसीजन कितने सही और खरे उतरे हैं। अगर स्ट्रेटेजीज को अलाइन किया जाए अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ में, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है। की परफॉर्मेंस मेजर्स और जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम पहले क्रिएट करते हैं, फिर हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें कंबाइन करते हैं रिपोर्ट में और ये बताते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में इनके कारण रिजल्ट आया नहीं आया। जैसे फाइनेंशियल मेजर्स, ROI अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉइज फुल्ली सेटिस्फाइड होने चाहिए,
कस्टमर हमसे अच्छे जो है वो फीडबैक रिव्यू देने वाले होने चाहिए, ये कुछ हम चीज़ें लागू करेंगे। क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाएंगे और KPI केयरफुली आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है मैनेजिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को सबसे पहले आपको मैनेज करना है। पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग फेज में, वो दो तरीके के फोर्सेस से, पहले पॉइंट ये है, एक कह लो आप, ठीक है, पहला पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है। आपके यहाँ जितने भी लोग स्ट्रेटजी को लागू करने वाले हैं वो दो फैक्टर से इफेक्ट करते हैं, एक रैशनल फोर्सेस या फैक्टर जो कि ओपननेस, कम्युनिकेशन और सेल्फ एनालिसिस पर डिपेंड है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि कंसर्न होता है कैसे आप अपनी एम्पायर बनाए रख सकते हैं और राइवलरी को ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो होता है मैनेजिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला है रैशनल फोर्सेस और दूसरा है पॉलिटिकल फोर्सेस। पहला है रैशनल फोर्सेस और दूसरा है पॉलिटिकल फोर्सेस। मैनेजिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमें दो चीजों पर ध्यान देना है, रैशनल फोर्सेस और पॉलिटिकल फोर्सेस पे। रैशनल फोर्सेस का मतलब होता है आप लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग से पता लगाओ ये चीज़ ठीक है या नहीं है, और पॉलिटिकल फोर्सेस में हम देखेंगे कि हमारे आइडियोलॉजी, हमारे पीपल की आइडियोलॉजी सब मैच खाती हो और हमारा कोई विरोध नहीं करे और उसे लागू करने में हमें दिक्कत ना आए। देखो ये कह रहा है मैनेजिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी। पीपल इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी मे बी इफेक्टेड बाय टू सेट ऑफ फोर्सेस। पहला है रैशनल फोर्स, मतलब ओपननेस, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एनालिसिस। ऑन द अदर एंड देयर मे बी पोलिटिकल फोर्स कंसर्न विद प्रिजर्विंग द एम्पायर, फॉस्टरिंग द इंटरनल राइवलरी, अर्ज द नॉलेज रिटेंशन, सेलेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉशन। अगर दोनों टेक्निक आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, कोहेशन में नहीं होती है, द पोलिटिकली एक्सेप्टेबल एस्पेक्ट में एंड अप विद एक्सप्लिसिट स्ट्रेटजी वाइल सेंसिटिव एलिमेंट्स में फॉर्म एन अनस्पोकन प्लान दैट कंटेन्स इम्प्लिसिट स्ट्रेटजी। तो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तब तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें लाउडली बोली जाएंगी और की जाएंगी और कुछ चीज़ें अनसेड रूल की तरह से चुपचाप फॉलो कर ली जाएंगी। तो बेसिकली पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हैंडल करने के लिए हमें रैशनल फोर्स को और पॉलिटिकल फोर्स दोनों को मैनेज करना पड़ता है। वी हैव टू मैनेज दीज टू, हमें दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए रैशनल फोर्सेस को और पॉलिटिकल फोर्सेस को मैनेज करना पड़ेगा, मतलब लॉजिक, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीजों को हमें चेक करना पड़ेगा और पॉलिटिकल फोर्सेस में देखना पड़ेगा कि हमें कोई चैलेंज ना करे, नो चैलेंज फ्रॉम एनीवन। इतना आप लोगों को सेटिस्फाई रखे, बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर? बोलो जी हाँ। तमी बोलता नत्ते। चलिए सभी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। कितने टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे तो इस बार May 24 में ही आता दिख रहा है ये। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, इसको ढंग से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं वैसे तो समय समय पर बताता रहा हूं, पर एक ऑफिशियल लिस्ट भी जारी कर दूंगा जल्दी से। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स के। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल मेजर्स पे चेक करो, अगर फाइनेंशियल मेजर पूरे कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि SPM इसका अच्छा है। फाइनेंशियल मेजर होते हैं जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, प्रॉफिट एंड मार्जिन,
अगर ये आपके फेवर में है तो हम कहेंगे फाइनेंशियल मेजर्स पे हमारी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन खरी उतरी। प्रोवाइड एन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट। तो अगर आपने रेवेन्यू ग्रोथ देख लिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कर लिया, प्रॉफिट मार्जिन देख लिए, फेवरेबल मिले, तो हम कहेंगे सब काम ठीक चल रहा है, हमें कहीं इंटरवीन करने की, दखल देने की जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस इज गुड। सेकेंड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर, कस्टमर खुश है या नहीं है। अब कस्टमर के मेजर्स क्या हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है, कस्टमर बार बार हमारे से चीज़ें ले रहा है और कस्टमर हमको छोड़ के कहीं नहीं जाता है, लॉयल है। इसका मतलब क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर लेवल पे हम लोग एकदम बिल्कुल खरे उतरे हैं। दे प्रोवाइड इनसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मीट कस्टमर नीड एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप देखते हैं आपको छोड़ के कस्टमर नहीं जाता, उसके पास भले ही दूसरा ऑप्शन क्यों ना हो, इसका मतलब कस्टमर आपसे लॉयली जुड़ा हुआ है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मेजर्स को नापने के लिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का रिटेंशन, आप उसे रिटेन कर पा रहे हो, बार बार वो आपको ऑर्डर दे रहा है, आपके पास जुड़ा हुआ है, आपको छोड़ के नहीं जाता है, तो लॉयल्टी भी इसकी चेक हो जाएगी। तीसरा है मार्केट मेजर्स, मार्केट को नापना। अब उसके मेजर्स क्या है? मार्केट मेजर्स है मार्केट शेयर कितना है आपका, कस्टमर एक्विजिशन कितना है, कस्टमर रेफरल कितना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखा करते हो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में। तो मार्केट मेजर्स में आ जाता है मार्केट शेयर कितने आपके पास में, कस्टमर का एक्विजिशन का तरीका क्या है, और उसके बाद कस्टमर रेफरल्स हमारे कैसे दिए जा रहे हैं। इन चीज़ों के आधार पर हम मार्केट को मेजर करते हैं, मार्केट का शेयर कम है कि ज़्यादा है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आ रही है, कस्टमर द्वारा दिए गए रेफरल्स के द्वारा कितना बिजनेस आ रहा है। इन सब चीज़ों से हमें कॉम्पिटिटिवनेस पता चलती है कि हम कैसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिटेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मेजरमेंट, एम्प्लॉय मेजरमेंट मतलब एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है आपसे, एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट आपको छोड़ छोड़ के चला जाता है या एम्प्लॉय छोड़ के जाता है और वापस आ जाता है। एंड दे प्रोवाइड इनसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एक तरीका और है कि अगर एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाते, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट कंपनी के साथ हर काम में जुड़ के काम करना है, तो इसका मतलब कंपनी अट्रैक्ट कर रही है, रिटेन कर रही है, स्टाफ को बनाए रख रही है, स्टाफ उसे छोड़ छाड़ के नहीं जा रहा है। इसका मतलब आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका फायदा भी आप ही को मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रेनिंग तो आपसे ले जाता है और उसके बाद काम वो किसी और कंपनी में करता है। तो रिसोर्सेस को खर्च आपने किया, नर्चर और डेवलप आपने किया, लेकिन एम्प्लॉय आपके वर्क इन्वायरमेंट और कल्चर को छोड़ के किसी और जगह चला गया तो उसका होता है आपको नुकसान। एक तो हमारी सारी इनसाइट ले जाता है, दूसरा सीखने समझने में जो हमारा खर्चा होता है वो अनरिकवरेबल हो जाता है, और दूसरे आदमी को जो हमारा कॉम्पिटिटर है, एक हमारी इनसाइट मिलती है, दूसरा उसे सीखा सिखाया आदमी मिलता है काम करने के लिए, तो हमारा हो जाता है डबल नुकसान। इसलिए एम्प्लॉय का मेजरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनियों में एम्प्लॉय को अपने साथ बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है इनोवेशन मेजर्स, आप कितना कितना नया R&D पे काम करते हैं दूसरों के मुकाबले। इनोवेशन मेजर्स सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, स्पेंडिंग कितनी है आपकी, पेटेंट एप्लीकेशन कितनी फाइल की आपने या करने वाले हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कितने आपके, ये हमें इनसाइट प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी इनोवेट करने की और नए नए प्रोडक्ट और कस्टमर की नीड को पूरा करने की है। मतलब ये कंपनी तरक्की करेगी क्योंकि इस कंपनी में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति है, वो इनोवेट कर रही है, वो क्रिएटिव है, वो R&D कर रही है। R&D में किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, जोर लगाना चाहिए, नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, फंडिंग इकट्ठी करनी चाहिए, सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, पेटेंट फाइल करने चाहिए, ये सब इनोवेशन मेजर में आते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मेजर, इन्वायरमेंटल मेजर में आ जाते हैं एनर्जी कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए, कार्बन एमिशन कम होने चाहिए, ये जन्म दिया करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट कर सकते हैं या इन्वायरमेंट को हम कितना सस्टेन करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते, इन्वायरमेंट को ख़राब और गंदा नहीं कर रहे, तो इसी बचत की बदौलत हम लंबे समय तक काम कर पाएंगे। और हम लगातार अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम शायद जीवित ही नहीं रह पाएंगे, इस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगी, दम घोटू एनवायरनमेंट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हम सबको ऑक्सीजन का मास्क लेके चलना पड़ेगा। और ऐसा दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में फॉग के दिनों में हो ही गया है, हमने देखा है। नेक्स्ट सातवां, टुवर्ड मोर होलिस्टिक मेजर ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। आप जानते हैं कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो हमारा एक एंगल नहीं होता है, हम चाहते हैं ये चीज़ होलिस्टिक हो। होलिस्टिक का मतलब होता है हर तरीके का बेनिफिट हमें मिले। तो हर तरीके का बेनिफिट मिलने के लिए क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस हैज परसिस्टेंटली पुश द फ्रंटियर ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस बियॉन्ड द फाइनेंशियल मैट्रिक।
केवल पैसे का ही फायदा नहीं होना चाहिए। दस द ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क TBL बड़ा इंपॉर्टेंट है। TBL फ्रेमवर्क वो कहता है तीन चीज़ों पे फायदा होना चाहिए, आदमी पीपल को फायदा होना चाहिए कि वो नॉलेज में इनरिच करें, प्लानिटरी कंसर्न होना चाहिए कि आप वातावरण पर्यावरण खराब नहीं करो, और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी लगातार बढ़नी चाहिए। ये कहलाती हैं तीन पीज, ठीक है, इसको कहते हैं TBL। TBL मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। एक है पीपल, मतलब आदमी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। प्लानिटरी कंसर्न ये है कि ये पर्यावरण खराब नहीं हो, दूषित नहीं हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम हो, ओजोन लेयर के छेद कम हो, ये दुनिया ज़्यादा बेटर लिविंग वर्ल्ड हो जाए। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती रहे, ऐसा हम चाहेंगे। ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारे TBL फ्रेमवर्क में। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलोन, क्वाड्रपल बॉटम लाइन एड्स फोर्थ पी, और वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन पर्पस, आपका पर्पस क्या है। तो तीन पी से TBL बनता है, और उसके बाद एक चौथा और आ जाता है जिसको हम कहते हैं पर्पस, इसको और कहते हैं पर्पस। तो एक हो गया पीपल, एक हो गया प्लानिटरी, एक हो गया प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो चलता ही था, अब इसमें एक चौथा और जोड़ दिया हमने पर्पस, आपकी मंशा क्या, आपका इंटेंट क्या, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये हमारे को होलिस्टिक मेजर की तरफ ले जाती है ताकि हम बढ़िया काम कर सकें। मेयर प्रीत कह रहा है हाँ सर दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन है। बिल्कुल बेटा, इतना पॉल्यूशन है कि आदमी सिगरेट ना भी पी रहा हो तो उस धुएं में उसे रोज कई सिगरेटें पीने पड़ जाती है, फेफड़ा खराब हो जाए उसका, गुर्दा जिगर सब खराब हो जाए उसका। चलिए तो देखिए डायग्राम में, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, ये तो थे हमारे तीन पी TBL की बॉर्डर लाइन। उसके साथ हमने जोड़ दिया फोर्थ पी, और वो है पर्पस। तो फोर्थ पी हमारा पर्पस जब इसके साथ जुड़ा है तो अब हमारा काम जो हो गया ना बेटर हो गया है, क्योंकि पीपल प्रॉफिट और प्लैनेट के साथ साथ हम पर्पस भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हमारा चौथा पी है जो क्या कर रहा है, पर्पस हमें दे रहा है कि आप ये काम TBL फ्रेमवर्क का कर क्यों रहे हो। बात आई क्या सबको समझ में? तो आप देख लो तीन पी वो है पीपल प्लैनेट और प्रॉफिट, और चौथा पी जुड़ गया इसमें पर्पस, तो अब हो गई है बल्ले बल्ले, बाकी सब हो गई है थल्ले थल्ले। अब नेक्स्ट आती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। अगर आप SPM के फायदे की बात करते हैं, इससे फायदे की बात करते हैं, तो आपको समझना होगा व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेवरल रीजंस। पहला, इससे आपको गोल अलाइनमेंट करने में मदद मिलती है, मतलब पूरी कंपनी को एक कॉमन चीज समझाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अलाइन देयर स्ट्रेटेजी विद देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इंश्योरिंग दैट दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव देयर डिजायर्ड आउटकम। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सब चीज़ें अपने ट्रैक पे चले जिनसे हमें चीज़ें अचीव होनी है, अच्छी लगनी है। तो गोल अलाइनमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्ट्रैटेजियाँ हमें ऐसी बनानी हैं जिनसे हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। अब वो किनसे होंगे इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति हमें ये कराने में मदद कर सकता है, उसी को हम इम्प्लीमेंटेशन में कहेंगे मदद करने के लिए। सेकेंड है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स में आपको पता है मैन पावर, मशीन, मटीरियल, मनी, मेथडोलॉजी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हुआ करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन सच एज रिसोर्स एलोकेशन, इनेबलिंग देम टू प्रायोरिटाइज देयर एफर्ट एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू द एरिया दैट विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है आप इन्फॉर्म डिसीजन लो कि आपको कौन से क्षेत्र में कौन सा रिसोर्स लगाना है, मैन पावर, मशीन, मटीरियल, मनी आपको लगाना है। नंबर तीन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब इंप्रूवमेंट रुकना नहीं चाहिए, देयर शुड बी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद द फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इनेबलिंग देम टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस विल मेक द एडजस्टमेंट टू द इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड टाइम। क्लियर है? तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आना चाहिए, प्रोग्रेस आनी चाहिए और हम आगे से आगे बढ़ते रहें। और पांचवा इंपॉर्टेंस है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेमोस्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर, जिसमें शेयर होल्डर आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं, रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पिक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस। तो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस में हमारे को यहां पे पांच, कितने रीजन गिनाए गए हैं, चार रीजन गिनाए गए। वी हैव बीन गिवन हियर द फोर रीजंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक
परफॉर्मेंस मेजर्स। पहला, गोल अलाइनमेंट करने में मदद करता है, मतलब आप सबको एक ट्रैक पे लाता है। नंबर टू, रिसोर्स अलोकेट करने में मदद करता है कि हम इन्फॉर्म डिसीजन करते हुए, लोगों को बताते हुए कौन सी चीज़ को कहाँ प्रायोरिटाइज करना है उसके बारे में बात करते हुए एलोकेशन करते हैं। नंबर तीन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं किसी चीज़ को जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती। और नंबर चार, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, शेयर होल्डर, कस्टमर, रेगुलेटरी बॉडी, इस सब की जिम्मेदारी आपकी है परफॉर्म करने की, ताकि अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर, मतलब शेयर होल्डर, कस्टमर, रेगुलेटरी बॉडी शो की जा सके। क्लियर है? चलिए अब हम आगे हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, चूजिंग द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। हमें सबसे बढ़िया वाला परफॉर्मेंस मेजर चुनना है ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन के बारे में इनसाइट नॉलेज हमें मिले। ऑर्गेनाइजेशन चूज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स दैट आर अलाइंड विद देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल और ऑब्जेक्टिव से जुड़ा होना चाहिए। दे प्रोवाइड रेलेवेंट एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन इन सेलेक्टिंग द राइट मेजर फॉलोइंग फैक्टर। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को ऐसा अलाइन करना है कि जो जानकारी हमसे मांगी गई है वो जानकारी हम उपलब्ध कराएं, और उसके माध्यम से हम कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे कुछ फैक्टर्स के आधार पर। पहला फैक्टर हम पूछेंगे इसमें, इसकी रेलेवेंस क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी कैसी है, डेटा क्वालिटी कैसी है, और टाइमलाइनस कैसा है, मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कितनी रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब मेजर्स शुड बी टेकन विच आर रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्शनेबल एंड मीनिंगफुल। जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, काम का होना चाहिए। दूसरा, डेटा अवेलेबिलिटी, द मेजर शुड बी बेस्ड ऑन डेटा एंड रेडिली अवेलेबल। ये 24/7 अवेलेबल होगा, विच कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज इन ए टाइमली मैनर। यह आपको अपने टाइम पर डिसाइड करके इसे प्राप्त करना होगा। हमारी तरफ से डेटा 24/7 अवेलेबल रहेगा। डेटा क्वालिटी, द मेजर शुड बी बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी डेटा जो कि एक्यूरेट और रिलायबल हो। तो आपका बेसिस होना चाहिए हाई क्वालिटी, और उसके लिए हम एक्यूरेट और रिलायबल डेटा बेस वालों को भेजेंगे। चौथा है डेटा टाइमलाइननेस, इट इज बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज करंट एंड अप टू डेट, इनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन अ टाइमली मैनर। हमें क्या करना है, समय पर डेटा का डिसीजन लेना है, करंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करने वाला होना चाहिए, टाइमली मैनर में करना चाहिए। तो राइट परफॉर्मेंस मेजर को आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको अलाइन करेगा आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट में। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं, फॉलोइंग फैक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह आपको अचीवमेंट करने में मदद करेंगे। पहला, इन्फॉर्मेशन जो आप SPM ले रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, आपके काम से संबंधित होना चाहिए, किसी दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे CS से रिलेटेड बात करूँगा, ना कि मेडिकल के नीट की परीक्षाओं के बारे में बात करूँगा, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट हेयर। तो मुझे रेलेवेंसी पे परफॉर्मेंस मेजर करने चाहिए, नॉन रेलेवेंट तरीके के परफॉर्मेंस मेजर करने से कोई फायदा नहीं है। नंबर टू, डेटा अवेलेबल होना चाहिए ऑन टाइम, मतलब 24/7 कलेक्ट हो और फिर उसके बाद उपलब्ध हो जाए। तीसरा, डेटा की क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, एक्यूरेट और रिलायबल, ताकि हमारा डिसीजन गलत नहीं जाए। और चौथा, डेटा समय पर उपलब्ध होना चाहिए, करंट और अपडेट होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस में हमारे सारे डिसीजन होते हैं। अगर डेटा गलत होगा तो डिसीजन गलत हो जाएगा और फिर होगा हमें बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए समय रहते हम ये कह रहे हैं, डेटा की टाइमलाइननेस, डेटा की क्वालिटी, डेटा की अवेलेबिलिटी, उसका रेलेवेंस, सब कुछ पता कर लो, तभी हम एक राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर को नाप सकेंगे। बात आ रही है क्या सबको समझ में? These measures provide a way of organization to assess the success of their strategy, identify area of the improvement and make informed decision about how to allocate resources and adjust to strategy. Effective strategic performance measures should be relevant, meaningful and easy to understand and should be regularly reviewed and updated to ensure the continuous alignment with organization goals and objective. तो खास बात हमारी आ गई, effective जो हमारी होगी strategic management measure वो हमारे लिए रेलेवेंट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, और उसके साथ साथ ये इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी इससे अचीव हो रहे हैं। तो कुल मिला के हमने देखा चार प्रकार के हमारे फैक्टर्स होते हैं। वो चार फैक्टर क्या है, जितना भी आप काम कर रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए, जितना भी काम कर रहे हो वो एक डेटा की अवेलेबिलिटी 24/7 कराता हो, डेटा की क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, और डेटा टाइमलाइननेस का मतलब होता है डेटा समय मांगने पर तुरंत उपलब्ध होगा, इसके लिए आपको इंतजार नहीं करवाया जाएगा इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, ये हमने पढ़े थे 3 P
टीबीएल में, और इसके साथ जुड़ गया है ये फोर्थ पी, दैट इज पर्पस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो दिस कंप्लीट्स आर चैप्टर नंबर 5।